सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर। ओम नमः शिवाय, हर महादेव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम हाफलोंग। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ हाफलोंग। ये देख सकते हो हाफलोंग का कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ। हमारे आसाम में भी पहाड़ है ना। सो आज मैं पहुंच जाऊंगा। अभी थोड़ा सा ट्रेन जो है ना वो लेट हो चुका है, एक घंटा जैसा, बट फिर भी एक घंटे बाद मैं पहुँच जाऊँगा फिर से। ये जो ट्रेन है ना वो पूरा एक घंटा लेट हुआ है, अभी फिर से रुक गया, पता नहीं अभी कितना लेट होता है। बाकी कोई ना, आज पहुंच जाऊंगा घर जैसे भी करके, है ना। गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, सो मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेता हूँ फिर से। मैं अपना राइडिंग ड्रेस पहन लेता हूँ, बहुत दिनों के बाद पहन रहा हूँ। कितने दिनों तक मैंने राइड नहीं किया ना, सो आज फिर से मैं अपना ड्रेस पहनूंगा। फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ करीमगंज। इधर अभी साइकिल को उतार रहे हैं, चलो अभी उतार लेता हूँ, वीडियो करके तो उतार नहीं सकता। फाइनली उतर चुका हूँ और इधर देख सकते हो प्रकाश दा मुझे लेने के लिए आया है। चलो साइकिल को भी टुक टुक पे चला दिया है, प्रकाश दा के उधर जा रहे हैं। इधर देख सकते हो भाई, घर में देख सकते हो मेरा हालत, इतना ज्यादा गर्मी है। ये देखो आप लोग, पूरा पसीना पसीना। सो अभी हम लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इधर देख सकते हो बाइक में रस्सी लगाया है, इसको मैं पकड़ के बैठूंगा साइकिल के साथ। साइकिल तो चला नहीं सकते ना भाई, गर्मी बहुत गर्मी है। तो अभी पूरा हम लोग जा रहे थे, इतना ज़्यादा गर्मी है। और ये देख सकते हो पूरा बाइक से मेरे दोस्त मुझे लेके जा रहे हैं रस्सी से, क्योंकि इसका ख़राब हो चुका है ना, तो लेके नहीं जा सकते। बस यही एक लौता ऑप्शन है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ तो जगह है, आसिमगंज के पास में ही है। और इधर देख सकते हो पूरा बनाना शेक पी रहे हैं। हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे भाई, इतना ज्यादा गर्मी है ना इधर, बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बहुत हद से ज्यादा गर्मी है आज, पूरा पसीना पसीना हो रहे है।
मैं अपने पहुंच फाइनली इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद अपना गांव देखा। Oh,
आज मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया होता तो आज शायद मैं ये नहीं कर पाता। रात हो चुकी है, अभी पूरा सोने का टाइम आ चुका है। मैं तो पूरा दिन रेस्ट कर रहा था, घर पे आके मैं पूरा रेस्ट कर रहा था। बाकी जो वीडियो है ना वो कैसा बना मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास फोन भी नहीं था, मेरे पास मेरा फोन नहीं था, मैंने लोगों को दे दिया था, वही लोग वीडियो कर रहे थे। बाकी जितने भी वीडियोस किया ना वो सारे स्लो मोशन में ही कर दिया, तो मैं उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मतलब वीडियो बनाया। बाकी बहुत सारे क्लिप्स तो डाल भी नहीं पाया, स्लो मोशन हो गए थे, और उसको फास्ट करता हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा सेक करता है, इसके कारण उसको डाल भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था तो उनको मेरा फ़ोन दे दिया था, तो उनको नहीं पता कि स्लो मोशन पे हो रहा है वीडियो, तो स्लो मोशन पे कर दिया। बाकी जो हो गया वो हो गया, मतलब क्या कर सकते हैं ना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद है, क्या करना पता ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में एक बार सा कमेंट करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर भाई।